एक बार फिर किसान की बेटी ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। यूपीएससी में देश में 28वीं रैंक प्राप्त कर भूवैज्ञानिक बन गई हैं। किसान बाबूलाल कुशवाहा की बेटी आकांक्षा कुशवाहा ने डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय से अप्लाइड जियोलॉजी में स्नातक और अप्लाइड जियोलॉजी में ही एमटेक किया और पहली बार में ही यूपीएससी के तहत भूवैज्ञानिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आकांक्षा की पूरे देश में 28वीं रैंक आई है। जब इस बात की सूचना उनके परिजनों को लगी, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की। आकांक्षा जब छतरपुर में अपनी मौसी और मौसाजी किशोरी लाल कुशवाहा के घर पहुंची तो उन्होंने ढोल नगाड़े बजवाकर मिठाई खिलाकर आकांक्षा का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि आकांक्षा पन्ना जिले की रहने वाली है। यूपीएससी वैसा ही एक एग्जाम है जैसे आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आपने बोला कि छोटे शहर के बच्चे नहीं कर पाते, तो उनके अंदर यही एक मिथ चल रहा है कि छोटे शहर के बच्चे नहीं कर पाते, है ना। तो जितना वो दूसरे एग्जाम्स को प्रिपरेशन में टाइम देते हैं, अगर उतना ही देने लगे यूपीएससी में, तो वो भी कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि बच्चों में थोड़ा पेशेंस कम है। उनको लगता है कि अगर ये हो गया तो मैं इसका भी फॉर्म डाल देता हूँ, ये भी तैयारी कर लेता हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए थोड़ा उनके पास पेशेंस की कमी है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लॉन्ग टर्म विज़न रखिए, आएगा आपका भी टाइम आएगा, आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। एंड में बच्चों के लिए जो अभी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि वो जो काम कर रहे हैं बस उसी को ही सिंसियरिटी रहिए, सिंसियरिटी रखिए अपने काम के साथ, सीरियस मत होइए किसी भी चीज़ को लेके। सिंसियरिटी के साथ अपनी तैयारी कीजिए, रिजल्ट को कोई भी रिजल्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपने आज के काम में प्रेजेंट में अपना 100% दिया है तो वो आपको उसका रिजल्ट भी जो वो पॉजिटिव ही होगा, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है कि रिजल्ट क्या रहेगा, बस अपना काम करिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ।